मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेसन 8 का अध्ययन किया था, ध्यानों तो कोशिका क्या है, कोशिकांग क्या है। वो लेसन कंप्लीट हो गया और लगभग 52 पेज के आसपास वो लेसन था, बड़ी यूनिट थी। आज हम नई यूनिट की शुरुआत करते हैं और लेसन 10 वो 8 था ये कौन सा बेटा, लेसन 10 है इसका पेज नंबर फर्स्ट में आपके पास भेजा जाएगा। तो देखो बेटा, लेसन 10 है कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। लेसन 10 का नाम क्या है? कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, सेल डिवीजन किसे कहते हैं? तो पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति या निर्माण की प्रक्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। क्या बताया बेटा? पूर्व विरचोव ने बताया था ये कोशिका सिद्धांत के अंदर, ध्यान हो तो। क्या बताया था कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति या निर्माण होता है और इस प्रोसेस को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या बताया बेटा? पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया या उत्पत्ति ही कोशिका विभाजन कहलाती है। दूसरा है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है बेटा? कोशिका विभाजन। इसके बाद इसकी खोज देखी जाए तो कोशिका विभाजन की खोज पादपों में तो स्टार्स बर्जर वैज्ञानिक ने की थी और जंतुओं में किसने की थी बेटा? फ्लेमिंग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन की खोज पादपों में स्टार्स बर्जर ने और जंतुओं में किसने की थी बेटा? फ्लेमिंग ने की थी। अब देखो बेटा, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप सभी जानते हैं कोशिका की वृद्धि, विकास, मरम्मत और जनन के लिए विभाजन करती है। कोशिका किस लिए? आप सभी जानते हैं वृद्धि विकास, जीव का वृद्धि विकास के लिए, मरम्मत के लिए घावों की, और जनन के लिए क्या करती है बेटा? कोशिका विभाजित होती है। अब इसका कारण क्या है कि क्यों विभाजित होती है, कि ऐसा क्या प्रोसेस हो जाता है कोशिका में? तो केंद्रक और कोशिका द्रव के गुणांक में परिवर्तन के कारण ही कोशिका विभाजन होता है, तो ये इसका कारण हो गया। अब इसके टाइप्स कौन कौन से कोशिका विभाजन के? तो कोशिका विभाजन के 3 प्रकार हैं, ध्यान होता आपने पहले पढ़ा होगा, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कितने प्रकार हो गए बेटा? 3, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो ये था कोशिका विभाजन। अब इसका आगे प्रोसेस करेंगे। अब देखो, कोशिका विभाजन एक चक्र के तहत होता है जिसको हम कोशिका चक्र कहते हैं, सेल साइकिल। कोशिका चक्र क्या है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया एक प्रोसेस या एक चक्र में होती है जिसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। और इस कोशिका चक्र की जानकारी किसने दी थी? हार्वर्ड और पेल्क वैज्ञानिक ने दी थी 1953 के अंदर। किसने दी थी बेटा? हार्वर्ड और पेल्क वैज्ञानिक ने दी थी 1953 के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज के टॉपिक को ध्यान देना सब लोग। आज का टॉपिक था कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं बेटा? पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया या प्रोसेस ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है, या हम कहेंगे कोशिका की संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। खोज किसने की थी बेटा? कोशिका विभाजन की खोज पादपों में तो स्टार्स बर्जर ने और जंतुओं में फ्लेमिंग ने। अब उद्देश्य क्या है कि कोशिका वृद्धि, विकास, मरम्मत, घावों की मरम्मत या जनन के लिए क्या करती है बेटा? विभाजन करती है। कारण क्या है? केंद्रक और कोशिका द्रव के गुणांक में परिवर्तन के कारण कोशिका विभाजन होता है। इसके टाइप्स देखें तो इसके 3 प्रकार हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद है कोशिका चक्र क्या है? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया एक प्रोसेस या चक्र में होती है जिसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। और इस चक्र की जानकारी हार्वर्ड और पेल्क वैज्ञानिक ने दी थी 1953 के अंदर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।